नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। आज गांव कालावाली में दर्जनों परिवारों ने थामा हालोपा का दामन। आज हालोपा नेता निर्मल सिंह मलड़ी की अगुवाई में दर्जनों परिवारों ने दूसरी पार्टियों को छोड़ करके हालोपा ज्वाइन की है। इस मौके पर बोलते हुए निर्मल सिंह मलड़ी ने कहा कि आप सब लोगों ने मुझे और मुझ पर विश्वास जताया है, मैं उस पर पूरी तरह से खरा उतरूंगा और आपके इस एहसान का कर्जा ब्याज समेत चुकाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं आप सभी का बेटा हूं और बच्चा हूं, भाई हूं, और ना ही मुझे राजनीति आती है। मैं यदि आप लोगों का प्यार मुझे इसी तरह से मिलता रहा तो विपक्षी पार्टियों की राजनीति मैं जरूर उन्हीं को सिखा दूंगा। उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टियों के लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है, परंतु कालावाली की जनता बदलाव चाहती है। इसी कारण हर रोज कालावाली हलके में हालोपा मजबूत होती जा रही है। इस मौके पर उनके साथ कृष्ण जिंदल, पार्षद संजू वर्मा, बब्बल कुमार, लक्ष्मण सिंह, नीमा सिंह, बलकौर सिंह खालसा, निहाल सिंह कैंट सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे। आप देख रहे हैं पल पल कालावाली से कैमरामैन जगतार सिंह तारी के साथ विमल गुप्ता की ये रिपोर्ट। सारा जिले की बस गल ये है जी, सब तो वड्डी गल तो यह है भी मैं तुहाडे वास्ते ना कोई लीडर है ना कोई नेता, मैं तुहाडा भरा गा। और जिन्हें भी परिवार के नाल आना, भाई गोपाल कांडा जी के नाल आना गा, देखो गोपाल कांडा जी समाज सेवी इंसान, वो परिवार ने सेवा की है और उन्होंने मैनू भी यही शिक्षा दी है कि सेवा कर। मनु चाल पायो चाल अज हल्का कालावाली के पिंड कालावाली च जो एक छोटा जा कार्यक्रम से पर मैं बहुत अच्छा लगे इतने आगे, क्योंकि लोगों का जो हजूम है वो हरियाणा लोकित पार्टी और श्री गोपाल कांडा जी के प्रति लोगों की जो आस्था है वह अज सारी जनता के सामने दिस रही है। और मैं समझना कि अज तक जिन्हें भी पार्टियां ने उन्होंने कालावाली हल्के वास्ते कुछ नहीं किया, लोगों का जो आशीर्वाद है साढ़े नाल है और जनता यह जरूर कह रही है कि इस बार असी श्री गोपाल कांडा जी और कालावाली तो असी भी थानू मौका देवे और बहुत अच्छा लग्या जी। और लोग बदलाव चाहते हैं, ये सच है, चाहे कोई पार्टी किमें भी गुमराह करने का काम करे, पर यह सच्ची तो सुची गल है कि आने वाली जो हरियाणा की सरकार होगी 2019 की वो सिर्फ तो सिर्फ श्री गोपाल कांडा जी ही बनाएंगे, क्योंकि गोपाल कांडा जी के हाथ के आने वाली सरकार का जो स्टेयरिंग है वह पक्का होगा। और मैं समझता कि जेकर कालावाली हल्के की गल करिए, कालावाली हल्के की जनता ने पूरा मन बनाया होया पक्का कि इस बार ये जी कालावाली की सीट है वो श्री गोपाल कांडा जी की झोली जरूर।